अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठी ही हूँ जस्ट अभी, देख सकते हैं आप मुझे, उठ के बैठी हूँ और मैं पानी पी रही हूँ, गर्म पानी। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह सुबह उठते ही ना गर्म पानी पी लेती हूँ, 2-3 कप सुबह उठते ही गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं रात को ब्रश व्रश करके सो जाती हूँ रात को, तो सुबह कोरे मुँह से पानी पीती हूँ। तो कहते हैं कि बड़ा यूज़फुल रहता है कोरे मुँह से पानी पीना, तो मैं सुबह उठ के सीधे कोरे मुँह से पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठ के बाहर 2-3 ग्लास पानी पिया, थोड़ा मोबाइल में लगे रहे, मैं मोबाइल में बहुत लगी रहती हूँ, मेरे को बड़ी आदत है। रात को भी मतलब 11, 12, 1 बज जाते हैं मुझे, मैं क्या कहते हैं उसको, रील्स बहुत देखती हूँ मैं, इंस्टाग्राम रील्स जो होती है मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मेरा ज़्यादातर टाइम रील्स देखने में निकल जाता है। तो सुबह उठ के मैं ये करती हूँ, साथ में गर्म पानी पी रही होती, साथ में थोड़ा सा यूट्यूब देख दिया, साथ में थोड़ा सा इंस्टा देख दिया, साथ में थोड़ा सा फेसबुक देख दिया, तो मतलब चलता रहता है मोबाइल, तो मतलब 2-3 घंटे सुबह भी मोबाइल, 2-3 घंटे का मतलब पूरा ज़्यादातर टाइम मोबाइल पर ही बिजी रहते हैं। तो आज क्या हुआ कि वो जो दिनेश था ना वो आ गया, तो थोड़ी रिलैक्स हूँ, मुझे लगा था कल, पता नहीं कल आया ही नहीं वो, कल भी मेरे को ही दुकान बढ़ानी पड़ी, इसलिए मेरा कल जो वीडियो था वो आ नहीं पाया था। तो चलिए आज बनाऊंगी अच्छी सी वीडियो नैनीताल को, थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी थोड़ा इधर उधर जाऊँ आज दिन में। अभी आवाज़ शायद कम आएगी क्योंकि माइक मैंने नहीं अटैच कर रखा, माइक मेरा उधर था तो मेरे को उठने का दिल नहीं किया, तो मैं बैठे बैठे ऐसे ही बस बनाने लगी हूँ वीडियो, तो इस तरह से है। तो रात का ना काजल निकला नहीं है आँखों से, देखिए हल्का फुल्का सा रह जाता है फेस वॉश करने के बाद भी ना काजल थोड़ा सा रह जाता है आँखों पर। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया, जो चैनल पर नए हैं तो आखिर तक देखिएगा, मतलब जो भी है कोशिश करूंगी कि थोड़ा अच्छा सा ही बनाऊं, लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं दूर दूर से, अच्छा लग रहा है। कल भी मेरी एक व्यूवर नोएडा से आई थी तो बहुत खुशी हुई उनसे मिलके मुझे, मतलब कि लोग ऐसे हमको देख रहे हैं और मिलने के आ रहे हैं, अच्छा लगता है। मिलते हैं अब, इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको नैनी लेक, दिखाऊंगी अपने घर से जो व्यू दिखता है, थोड़ा सा अपने घर वालों से मिलाती हूँ आज आप लोगों को, अपने सब फैमिली मेम्बर्स से मिलाती हूँ। तो आजकल क्या हुआ कि बच्चे आ रखे ना, तो दागर और नोनी आ रखे, तो सुबह से हो जाती है दोनों की लड़ाइयाँ झगड़े शुरू, होता ही है घर में चहल पहल बच्चों से ही रहती है, दागर नहीं तो नोनी भी सुनसान सा बड़ा रहता है, अब दागर आ गई तो हर बात पे इनको लड़ना रहता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्या हुआ ना कि मेरी आवाज़ नहीं आई, पता नहीं मैंने माइक कनेक्ट किया था पर ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया। तो यहाँ आमा जी है, आमा जी अपना नाश्ता लेके निकल रही है, तो मैं आमा जी से पूछ रही थी कि आमा जी कहाँ जा रहे हैं, आमा जी सुबह तो एक्चुअली तैयार हो चुके थे, तो आमा जी तैयार होकर भवाली जा रहे हैं, तो आमा कह रहे मैं भवाली जा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था वहाँ पर किसी की डेथ हुई थी तो उनका कुछ था आज, तो आमा जी उसके लिए जा रहे थे, तो आमा जी अपना खुद ही नाश्ता लेके अपना चल पड़े थे अपने रूम की तरफ नाश्ता लेके, तो आमा जी अपना नाश्ता करने लगे और इनका डेली का रूटीन चल रहा था, ये पेपर पढ़ रहे थे अपना। तो फिर मैं इस तरह से वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा शूट हुआ था, बहुत अच्छा बना था, मगर इसमें क्या हुआ कि आवाज़ बिल्कुल भी आई नहीं, पता नहीं मैंने बोला ना माइक मैंने कनेक्ट तो किया था बट ठीक से कनेक्ट हुआ नहीं था माइक मेरा। तो इस तरह से मैं बाहर की तरफ जा रही थी यहाँ से बाहर को दिखाने के लिए कि क्या चल रहा है। तो मैं इसके बाद दागर के रूम में आई, दागर से पड़ी हुई थी रूम में, का रूम गंदा सा पड़ा हुआ था ये ऐसे करके, फिर मेरे को डांट रही थी कि आप ऐसे कुछ भी बना देती हो। ये लंच की तैयारी, लंच में मैंने बनाया था आलू और मलका दाल का जो पुलाव होता है ना, तो आलू और मलका दाल का पुलाव बनाया था। आलू मलका दाल के पुलाव के लिए मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, ये मेरा टमाटर कटा हुआ पड़ा हुआ है और उसमें लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ है, और इस तरह से मैंने ये मलका दाल को भिगो के रख दिया है और आलू को मैंने इसे काट के रख दिया है। तो इस तरह से फिर मैंने आलू और मलका दाल का जो है दिन में पुलाव बनाया था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दागर, दागर तू सो गई क्या फिर से? भाई यार, तो मैं हो गई हूँ लेट ना, लंच लेके जाना था 3 बच्चों के मुझे घर पे। एक्चुअली क्या है कि मेरे कपड़े बहुत सारे धोने को थे, तो मैं कपड़े वपड़े धो धा के बैठी रही, लेट हो गया, मेरे को लगा मेरे वॉलेट भी बैग में है नहीं, पता नहीं बैग इतना हल्का फुल्का सा लग रहा है, तो मैं खाना लंच भी पैक नहीं किया, लड़की ना खा पी के अपना सो गई है, इतनी गंदी लड़की है ना ये, मैं खाना खिलाया खुद जाके सो गई है, इसलिए खाना ही पैक कर दूँ थोड़ा। तो चलिए मैं करती हूँ लंच पैक, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं आज, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कितने सारे कपड़े धोए। चलिए मैं दिखाई देती हूँ एक बार, बाहर लेके चलती हूँ आप लोगों को बाहर बाहर की तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ना ये कपड़े यहाँ से लेकर उधर तक काफ़ी सारे कपड़े हैं जो मैंने धो रखे हैं, नीचे डाल रखे हैं मैंने कपड़े धो के, तो इतने सारे कपड़े धोए हैं, इस वजह से ना मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। तो फिर भी मैं देखियो, देखिए जरा शूट शूट कर ही रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इस तरफ को मैं आई हूँ जहाँ से हमारा है लेक व्यू। तो ये देखिए यहाँ से है लेक व्यू, इस तरह से आज मौसम साफ़ है, थोड़ा सा ये धुंध धुंध टाइप की है मगर काफ़ी गर्म है, साफ़ है मौसम, तो इस तरह से यहाँ से दिखता है लेक व्यू, जो कि मैं हमेशा दिखाती हूँ अपने हर ब्लॉग में। तो आज मैं बाहर आके दिखा रही हूँ, पिछली बार मैंने दिखाया था अंदर से ही, रामलीला ग्राउंड में ऊपर लगा हुआ कोई टेंट वेंट टाइप का, कोई शादी वादी हो रही शायद, तो इस तरह से है व्यू। मैं हो गई हूँ लेट और दागर को डांट रही हूँ, इसने खाना वाना पैक करा नहीं, मैंने इसको बताया बोला भी नहीं ना, इसको बोलती तभी ये करती वरना तो नहीं करती। तो चलिए मैं चलती हूँ खाना पैक करके दुकान की तरफ, लेट हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं अपना भी खाना नीचे ही लेके जाती हूँ, हम दोनों साथ में ही करते हैं एक्चुअली लंच। तो चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट में। तो फ्रेंड्स खाना लेने एक्चुअली क्या ना, लड़का आ गया था, दिनेश आ गया था खाना लेने के लिए, तो फिर मुझे जल्दी नहीं है अभी, तो मैं आराम से निकलूँगी एक्चुअली, वो मेरे को वेट करेगी खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं अपना खाना भी दुकान है। हाँ जी, कब है यहाँ पे? तू ले आना सुमित अंकल से, मैक्रोनी लाना बस 1 किलो और कैप्सिकम ले आना, कैप्सिकम और नींद डाल के बना दूंगी, कल सुबह का नाश्ता का मेन्यू आज डिसाइड करूँगा, खाने से तुम लोग मेन्यू एक दिन पहले डिसाइड करोगे, काम मत करना बिल्कुल भी,
हेल्प मत करना बिल्कुल भी। आज रात का अनुपम से ले आना पैक करके कोई पनीर शनीर, बाकी घर में जो बनता बनता है अनुपम से ले आना, ठीक? पैसे हैं तेरे पास, मेरे से मत मांगना। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं, भाई गॉड बहुत सारे कपड़े धोए मैंने आज। मेरे ना कपड़े, मेरे हाथों में एलर्जी हुई थी जब से मैंने कपड़े संभाल के रखे थे। तो दिखाती हूँ अभी, मैंने ऊपर से ना दिखा नहीं, मैं ऊपर से दिखा तो रही थी, अभी अभी दिखाती हूँ मैं कितने सारे कपड़े धोए मैंने। और धूप में ना वो हो रहे, फेड होने लगे हुए हैं अब। तो ये देखिए मैंने कपड़े धोए हैं, वहाँ से शुरू होते हैं मेरे कपड़े धुले हुए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक मेरे सारे कपड़े मैंने धोए आज। इतने सारे कपड़े धुलने में पड़े थे, कपड़े ही नहीं थे मेरे पास पहनने के, एक्चुअली सारे कपड़े तो धुलने में रखे थे, तो पहनती क्या मैं। तो इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से लेक व्यू नीचे से, ऊपर से तो मैं दिखा दिया उस साइड से जो दिखता है लेक व्यू, तो यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए कितनी सारी बोट्स हैं, काफ़ी सारी नाव है लेक में। अरे मेरे हाथ में फिर एलर्जी हो गई है, अभी लगाती हूँ दवाई। इस तरह से तो मैं चलिए चलती हूँ दुकान की तरफ। इस तरह का मौसम कुछ इस तरह का है, और मेरी आंखों में ना इन्फेक्शन फिर से होने लग गया। मेरे ना क्रिसमस ट्री पूरा का पूरा सूख गया, पता नहीं कैसे सूख गया ये, फिर हम तो नीचे लेके आए। मेरे सारे पौधे ख़राब है, अब इसके बाद ना ये जो ये आएगा बरसात में ना, जब इनको खोलते, अभी खोलेंगे तो जो बचे कुचे पौधे वो भी सूख जाएंगे। ये देखिए बिगुनिया होगा उग रहा है इसमें ना, फिर जब वो हो जाएगा ना बरसात के बाद, तब मैं इनको सारे गमलों को उलट के फिर इसमें खाद मिट्टी सब अलग से डाल के फिर इनको सबको मैं फिर से उगाऊंगी, तब मेरे पूरे ये हरे भरे हो जाएगा गार्डन ना। हरे भरे गार्डन नहीं, अभी मेरा गार्डन पूरा सूख के मुरझा गया। बस एक ये गुड्डल का पौधा है ना जो कि अच्छा खिला हुआ है, अभी ये वाला है, इसमें दो तीन फूल खिले हुए गुड्डल में। ये देखिए ये बस एक ही पौधा खिला हुआ है, और एक ये बिगुनिया है ये वाला जो इलाहाबाद से लेके आई थी, ये वाला बिगुनिया ये अपने आप उग गया, दूसरे वाले गमले में तो पूरा ही सूख गया, ये फिर भी उगा है अपने आप ही ना। एक ये वाला गुड्डल था, ये मेरे डॉगी ने खा के चबा चबू के, पीला वाला बहुत अच्छा गुड्डल था, इसमें बहुत फूल खिल रहे थे, इसमें काट के ग्रेस ने पूरा उखाड़ दिया था, उसके बाद इसकी जड़ें पकड़ी ही नहीं गई। एक ये है बेल है, ये बेल मेरे को लेनी यार, ये तो सिंगल वो है तो डबल बेल है बट। तो चलिए मैं भी निकलती हूँ दुकान की ओर, मिलते हैं नीचे, थोड़ी थोड़ी भीड़ भाड़ होगी तो मैं दिखाती चलती हूँ। शूट नहीं करती हूँ एक्चुअली ना मैं, पता नहीं अजीब सा हो जाता है मुझे ऐसे पब्लिक में शूट करने के लिए। देखिए ये वाले कुछ गमले पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनका भी हाल बुरा है, मतलब जब से धूल मिट्टी का काम चल रहा है तब से पूरा कुछ सूखा सूखा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे है मैं कहाँ से आ रहे हो? हाँ कहाँ, यहीं पर बाहर गए थे अंकल मोहन, इधर आ रहे? अच्छा, तो आप यहाँ के खड़े थे, नीचे आएंगे ना वो कुत्ता बंधा हुआ है अंदर है। चलो टाटा। हेलो हेलो हेलो, आइसक्रीम। मिताली आई है आज, दागर की फ्रेंड मिताली, बहुत बार आ चुकी हैं, मिताली को सब जानते हैं, सॉरी मिताली को सब जानते ही हैं, मिताली आई है। तो हाँ हम तीनों ना आइसक्रीम खा रहे हैं, और ऐसे लिख करके खाने का ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, ऐसे खाने से ज़्यादा। तो मेरा है बटर स्कॉच, केसर पिस्ता तो मुझे नहीं लग रहा, केसर पिस्ता ही है क्या? वो तो मुझे बड़ा गंदा लगता है। क्या मुझे गंदा लगता, टूटी फूटी मुझे। तो हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, मिताली आई हुई है, तो उसके बाद दोनों घूमने चले जाएंगे, मेरे को तो लेके नहीं जाएंगे, मैंने उनके साथ ही जाके ब्लॉगिंग करनी थी, फिर मुझे बिल्कुल ही नहीं लेके जाएंगे, मुझे पता है बच्चे। ये देखो बच्चों छोड़ दे थोड़ा, नहीं बच्चे मुझे कहीं नहीं लेके जाते अपने साथ, मैं इनको हमेशा तो देखो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को कहीं नहीं लेके जाते, जब ये छोटे थे हम इनको सब जगह साथ लेके जाते थे, लेकिन अभी लोग बड़े हो गए तो हमको कहीं भी साथ नहीं लेके जाते हैं। ये तो मुझे अपने रूम में सोने भी नहीं देती, इतनी गंदी है, और मेरे रूम में अभी तक सोती थी, उन्होंने मना कर दिया मुझे, पता उनसे मैंने बोला मैं तेरे रूम में सोऊंगी, उसमें नहीं मुझे माफ कर दो, मैंने मेरे रूम में कोई नहीं सोएगा, मैंने कहा अंकल की वाली नाम खराब कर दी मैंने, बहुत कर दिया। तो आज के कुक है हमारे मिस्टर लॉप संखंपा, तो आज ही कुकिंग करने के लिए जल्दी जाने वाले रात को ना, आज फिर मैं देर से आऊँगी, आइसक्रीम खा रहे हैं, उसके बाद घूमने चल जाएंगे। चलिए मैं भी जाऊँगी घूमने ठंडी रोड अकेले अकेले, फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी, अभी आज तो मेरा ब्लॉग आना ही आना है, कल नहीं आया ना। बीची बीची शॉर्ट्स चीजी, ये तो शक्ति कपूर का निकल जैसा लग रहा है, नंदू सबका बंधु वाला मिले बनता जो ओवरसाइज टी शर्ट्स नहीं है, नहीं
हेलो 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 फ्रेंड्स, तो देखिए शाम का बज चुका है, कितना मैं देखती हूँ ज़रा, शाम का बज चुका है 5:07 बजने में ना। तो मैं जा रही हूँ वॉक पे अकेली, जो मेरे साथ जाती है ना बंदी, वो बंदी है नहीं आज वॉक पे जाने के लिए, तो मैं अकेली जा रही हूँ वॉक पे। तो ठंडी रोड का मैं थोड़ा सा शूट करूँगी, जो ताम झाम है ना ये इस टाइप का, तो मैं ये सब लेके नहीं जाऊँगी, मैं खाली मोबाइल लेके जाऊँगी और अपना जो ये हेडफोन है इसमें गाने सुनते हुए जाऊँगी और मज़े से मस्त। और फिर जब मेरे को बीच में कुछ अच्छा सा सीन वीन कुछ नज़र आएगा तो मैं उसका शूट करूँगी। तो वॉक करके मैं आती हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ फील्ड का, थोड़ा सा फील्ड का कि यहाँ पे कुछ कर रहे हैं ये लोग, मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं ये लोग। क्या है, क्या देख रहे हो आप लोग सब इकट्ठे होके, क्या बन रहा है, क्या है ये, क्या बना के रहे, किसका वाईफाई? तो इस तरह से मार्केट का हाल है, कुछ मार्केट में कुछ काम धंधा है नहीं, बस सब लोग खड़े हैं बाहर बाहर। तो टूरिस्ट इस तरह से घूम रहे हैं, ठंडे का आनंद ले रहा, दिन में तो बहुत तेज़ गर्मी थी, अभी मौसम बहुत अच्छा मज़े का बना हुआ है, बहुत मस्त सा वेदर हो रहा है, बढ़िया बढ़िया सा वेदर हो रहा है। तो ये देखिए नज़ारा फील्ड का कुछ इस तरह से है, ये देखिए ऊपर को जो पहाड़ियाँ हैं क्या मस्त दिख रही है, पहाड़ों का सीन, उसने पहाड़ों का क्या कहना। अजी पासंग सॉन्ग कैसा हो रहा है? और दिनेश भाई आपका सॉन्ग कैसा हो रहा है? थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं बाहर आया हूँ रेस्ट करने के लिए। कैसे गिनने मुझे बुला देना, मैं आ जाऊंगी हेल्प करने के लिए, ठीक है? रेस्ट चाहिए था इसलिए मैं बाहर आया हूं। थक गए हैं आप बेच बेच के। तो फ्रेंड्स इस तरह से हाल है मार्केट का, तो चलिए मैं निकलती हूँ वॉक पे। क्यों रुला रही उसको है? तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ गेट पे, तली ताल वाले गेट पे। तो इससे आगे को मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आगे तो इस तरफ से देखिए ताल के इस साइड आई हूँ मैं, इस साइड से है व्यू कुछ इस तरह से, पोल आया बीच में, ये देखिए धूप लगी हुई है खूब तेज वाली, तेज धार से धूप खिली हुई है। तो मैं म्यूजिक सुनते सुनते इतना मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं उस साइड से जाऊं, बट क्या है ना उधर धूप तेज लगी हुई है तो इतनी तेज धूप में मेरा जाना नहीं हो पाएगा, तो मैं इधर से जहाँ से आई थी वहीं से वापस चली जाती हूँ। ठंडी रोड वही करती हूँ आज मैं वॉक ना, अब कल से मैं थोड़ा लेट आऊँगी तो मैं पूरा लेक कवर करते हुए तब जाऊँगी। तो इस तरह से नैनीताल देखिए, यहाँ पे गिचपिच सा नजर आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे काफ़ी सारे घर एक साथ है लेक से लगते हुए, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स एक साथ में है, तो ये गिचपिच सा एरिया है। ये रोड यहीं से जो ऐसे ताल के साथ 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 जाते हुए डार्ट दिख रहा है, वहाँ से ऐसे ऐसे घूमते 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 सीधे 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 जाएगा। तो मैं नहीं जाऊँगी इसमें, तो मैं सीधे 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 इसी रोड में जिसमें आई थी इसी में जाऊँगी वापस, जैसे कि मैं आजकल रोज ही जा रही हूँ। तो कल से कोशिश करूँगी उस तरफ को जाऊँ मैं, धूप तेज़ है ना अभी, तो भीड़ तो है ही है साथ में धूप भी तेज़ है, भीड़ तो कम दिख रही है। चलो कल से मैं जाती हूँ, थोड़ी लेट आऊँगी, 6 बजे आऊँगी मैं, फिर मैं तली होते हुए फिर। तो फ्रेंड्स आज मैं चढ़ के जाती हूँ इस पर, इस पीस इसके ऊपर से थोड़ा शूट करती हूँ। अच्छा इसके ऊपर मैं चढ़ी नहीं थी कभी भी, तो चलिए मैं देखती हूँ। यहाँ पे लोग फोटो शोटो खींचने के लिए आते हैं, यूजुअली फोटो खींचते हैं लोग, यहाँ पे बैठते हैं, तो अच्छा सा एक पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट काइंड ऑफ। तो यहाँ से देखिए इस तरह से दिख रहा है ऊपर से, आज मेरा मन किया मैं आपको ये दिखा दूं, जो यहाँ पे जो स्लाइडिंग एरिया था ना कैसे स्लाइड हुआ है। अभी भी ना मेरे को इसके नीचे जाते हुए थोड़ा डर सा लगता है कि कब तक पता नहीं कब ऊपर से क्या स्लाइड होके आ जाए इसमें ना, थोड़ा हॉरेबल सा है ये पॉइंट, कभी भी कुछ भी आ सकता है ऊपर से। जैसे देखिए ये जो ऊपर वाला गर्ल्स हॉस्टल है जो आते आते बचा हुआ है नीचे, इस वाली बरसात में वेट किया जा रहा है कि कब जैसे नीचे आ जाए। तो ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल जो आने को तैयार है बिल्कुल। तो इस तरह से रोड ना थोड़ा सा डरावना ही है, यहाँ पे ऊपर एक पत्थर है जो पेड़ के आड़ में रुका हुआ है, ये पत्थर देखिए ऊपर दिखाती हूँ, ये वाला पत्थर ना पेड़ से रुका हुआ है ऊपर, ऐसा प्रतीत होता है, पता नहीं है नहीं है, पर इस तरह से है ये एरिया जो स्लाइड हुआ था बीच में, जो रोड ब्लॉक था ना काफ़ी टाइम तक ब्लॉक ही था, ये अभी हाल ही में खुला है ये, तो फिर जैसे हल्की फुल्की बारिश आती है तो फिर स्लाइड हो जाता है इसमें, तो इस तरह से है ये एरिया। तो रोड अभी यहाँ देखिए ऐसी कच्ची है इस टाइप से।
यहाँ से नीचे को भी ऐसा है, यहाँ से पूरी रोड से बैठ के ऐसी लगी हुई है यहाँ से नीचे इस तरह से। तो पहुँच गई हूँ मैं वापस मार्केट में, तो ये है मार्केट का हाल वापस से। और मैं आ गई हूँ शॉप पे, शॉप पे कस्टमर्स है काफ़ी ज़्यादा, तो नहीं सिर्फ चार ही। तो मैं आ गई हूँ वापस वॉक से, बड़ा अच्छा वॉक था मेरा, शूट करते करते आई हूँ मैं। ओह माय गॉड, कैसा रहा आपका एक घंटा मेरे बिना? तो फ्रेंड्स मैं वॉक से भी आ गई हूँ शाम के, मेरे को ना 5:42 हो चुके हैं और मैं वॉक पे गई थी तो मेरे को लग गया था आधा घंटा लगा था मेरे को, क्योंकि मैं वीडियो बनाते हुए थोड़ा थोड़ा रास्ते में रुकते शूट करते हुए आई। तो यहाँ पे पहाड़ी गाना बज रहा है, लाना तिरछा डाटू पे हिमाचली गाना, जो कि इनके स्पॉटीफाई से बज रहा है। बड़े मजे के गाने बजते हैं स्पॉटीफाई में हिमाचली गाने ना, मजे के गानों के लिए। तो आप मेरे पीछे सुन सकते हैं गाने बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। पहले तो मैं चेक करती हूँ मेरी बहुत सारी वीडियो में, पता है कि आज आवाज़ की गड़बड़ होगी। सुबह मेरी अच्छी वीडियोस बनी थी, उसमें क्या हुआ गूंगी होगी पूरी की पूरी, एक भी आवाज़ नहीं आई किसी में भी। तो अभी देखती हूँ, अगर आवाज़ वाली होगी तो शायद वीडियो बन जाएगी, अदरवाइज तो मेरी वीडियोज़ ही नहीं बनेगी, क्योंकि मैं कैमरा जो गैजेट्स होते हैं ये मेरे को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल से आते हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ी डम हूँ तो थोड़ी मुश्किल से मुझे हो पाता। तो मैं एक जो माइक होता है ना, कई बार कनेक्ट कर देती हूँ उसको, कैमरा मोड में छोड़ देती हूँ, मोबाइल मोड में नहीं ला के, तो इस वजह से भी मेरी आवाज़ जो है ख़त्म हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इसके बाद मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।